व्हाट्सएप एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी एक और नई ड्रीम इलेवन की टीम के प्रोडक्शन की वीडियो में। सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं श्रीलंका वुमेन वर्सेस इंडिया वुमेन के T20 मैच के बारे में, जो कि गाइस आपको देखने को मिलेगा कल दोपहर में। गाइस आपको ये मैच देखने को मिल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये मैच रहने वाला है। गाइस इस वीडियो का गाइस आप एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में गाइस आपको इसी बड़े मैच की ड्रीम इलेवन की टीम प्रोवाइड करने वाले हैं, प्लेयर प्रोडक्शन करेंगे, टीम एनालिसिस करेंगे, तो वीडियो एंड जरूर देखना, वीडियो को मिस बिल्कुल मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस आप हमारे दो काम कर देना, एक तो हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, हमारा टेलीग्राम चैनल मस्ट ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया, फिर इजीली जाकर ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द फाइनल टीम। सो गाइस फटाफट जाइए एंड गाइस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। यहाँ पे गाइज अगर हम पहले प्लेइंग इलेवन के ऊपर बात कर लें, तो गाइज प्लेइंग इलेवन आप दोनों टीमों की तरफ से देख सकते हैं। गाइज यहाँ पे दोनों ही वुमेन की तरफ से आप प्लेइंग इलेवन चेकआउट कर सकते हैं। अच्छी प्लेइंग इलेवन का मैं कहना चाहूँगा टीम इंडिया की बात करें, तो गाइज यहाँ पे स्मृति मानना के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दारोमदार रहने वाला है। गाइज ओपनिंग बैटिंग का यहाँ पे बात करें, यहाँ पे गाइज हरमनप्रीत कौर एज कैप्टन आपको देखने को मिलने वाली है। दीप्ति शर्मा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड रहने वाली है टीम इंडिया की बॉलिंग बैटिंग की परफॉर्मेंस। एंड गाइज वहीं पर बात कर लें श्रीलंका की, तो श्रीलंका के लिए टीम इनकी कैप्टन ओपनिंग बैट्समैन अटापट्टू गाइस काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर डिपेंड रहती है। श्रीलंकन की अगर हम टीम की बात कर लेते हैं, वहीं पर यहाँ पे गाइस बात कर लेते हैं, तो कविशो दिलारी आपके लिए काफ़ी अच्छी पिक यहाँ पे रह सकती हैं। यहाँ पे गाइस यहाँ पे आप बात कर लेते हैं, रणा सिंघे भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए श्रीलंका के लिए पिक बनने वाली है इस मैच के लिए। सो गाइस यहाँ पे गाइस अगर हम पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लें, तो गाइस यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं पेसर्स के लिए, गाइस काफ़ी स्टार्टिंग में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी पिच देखने को मिलती है गाइस। बट गाइस यहाँ पे जो अगर हम बात कर लें विकेट टेकिंग एबिलिटी का, स्पिनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमें कारगर साबित देखने को मिल रही है। तो गाइस ओवरऑल ये गाइस एक बॉलिंग पिच आप कह सकते हैं इस पिच को। यहाँ पे गाइस अगर हम बात कर लेते हैं श्रीलंका की टीम अपडेट्स के बारे में, तो गाइस यहाँ पे हसीनी परेरा एंड गाइस चमारी अटापट्टू आपको देखने को मिलेंगी नंबर एक, नंबर दो पे, नंबर तीन पे बैटिंग करने यहाँ पे आएंगी वो शादी राणा सिंघे, उनके साथ निभाने आएंगी गाइस यहाँ पे नीला कक्षी दी सिल्वा एंड गाइस उनके साथ आएंगी यहाँ पे हर्षिता समा विक्रमा। यहाँ पे अगर हम बात कर लें बॉलिंग में स्पिन बॉलिंग में यहाँ पे आपको देखने को मैंने ये कविशा दिलारी एंड गाइस उनके साथ निभाने यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। स्पिन बॉलिंग में सुगंधिका कुमारी एंड गाइस पेस बॉलिंग की बात करें, तो गाइस यहाँ पे राणा वीरा एंड राणा सिंघे आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे गाइस अगर हम टीम इंडिया की अपडेट्स के ऊपर बात कर लेते हैं, तो गाइस यहाँ पे गाइस आपको स्मृति मानना एंड शेफाली जोड़ी की ओपनिंग जोड़ी आपको देखने को मिलेगी। गाइस काफ़ी ज़्यादा ये ट्रेंडिंग है, आप मैं कह सकता हूँ गाइस काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग जोड़ी है, अच्छी जोड़ी है गाइस। इन पार्टनरशिप इन्होंने काफ़ी बार टीम इंडिया के लिए लगा के दिए हैं गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स दोनों बैट्समैन ने मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाई है। यहाँ पे अगर नंबर तीन पे बैटिंग करने आएंगे यहाँ पे अस्तिका भाटिया, उनके साथ निभाने यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी जमीमा रॉड्रिगेज एंड हरमनप्रीत कौर। यहाँ पे बॉलिंग में बात कर ले, बॉलिंग में स्पिन बॉलिंग में आपको देखने को मिलेंगी राजेश वाली गायकवाड़ एंड दीप्ति शर्मा। पेस बॉलिंग में यहाँ पे आपको मेघना सिंह देखने को मिलेंगी जो कि गाइस एक बहुत अच्छी पेस बॉलर हैं। यहाँ पे गाइस अगर हम की पिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, टॉप पिक्स के बारे में, तो गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी चमारी अटापट्टू, उषादी राणा सिंघे, हरमनप्रीत कौर एंड दीप्ति शर्मा का ट्राई करना इन चारों ही प्लेयर्स को गाइस अपने टीम में ले रखने की। गाइस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए बन सकती हैं, ग्रैंड लीग हो चाहे स्मॉल लीग हो, गाइस आप ट्राई करना इन चारों प्लेयर्स को अपनी टीम में रखने की। बाकी गाइस अगर हम बात कर लेते हैं की प्लेयर्स के बारे में दोनों टीमों की तरफ से, यहाँ पे की प्लेयर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी श्रीलंका की तरफ से यहाँ पे रहने वाली अटापट्टू हो गई, राणा सिंघे हो गई, समारा विक्रमा हो गई, यहाँ पे दिलाड़ी हो गई, कुमारी हो गई, इनका यहाँ पे बॉलिंग में प्रबोधानी हो गई। इंडियन की तरफ से बात करें, यहाँ पे इंडिया की तरफ से यहाँ पे रहने वाले स्मृति मानना, अस्तिका भाटिया, हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्राकर एंड गायकवाड़। तो गाइस ये आपके लिए की प्लेयर्स यहाँ पर रहने वाले हैं। कैप्टन वाइस कैप्टनसी के बारे में बात कर लें, अटापट्टू को बना सकते हैं, दिलाड़ी को बना सकते हैं, स्मृति मानना हो गए, दीप्ति शर्मा हो गए, गाइस इन चारों को आप इजीली यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन की पिक में रख सकते हैं। बाकी गाइस अगर हमें बात कर लेते हैं ग्रैंड लीग पिक्स की, तो गाइस यहाँ पे ग्रैंड लीग की पिक्स गाइस आपके लिए बन सकती हैं। श्रीलंका की तरफ से यहाँ पे चमारी अटापट्टू को आप बना सकते हैं, बट गाइस यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे आपको स्मॉल लीग में भी अटापट्टू को बनाते हुए दिखाई देंगे। बाकी गाइस यहाँ पे अचिन्नी कुला सारिया को बना सकती हैं ग्रैंड लीग की इंपॉर्टेंट पिक। इंडियन की टीम की बात करें, यहाँ पे मेघना सिंह आपके लिए ग्रैंड लीग में काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक यहाँ पे बन सकती हैं, क्योंकि आपको पता ही है गाइस, क्योंकि यहाँ पे बॉलिंग पिच यहाँ पे रहने वाली है। गाइस मेघना सिंह ये काफ़ी अच्छी बॉलर है, तो यहाँ पे आपको विकेट टेकिंग डिलीवरी डालती हुई दिखाई दे सकती है मेघना सिंह। तो गाइस फिलहाल चलते हैं अपने ड्रीम इलेवन की टीम की तरफ।
यहाँ पे गाइस अगर हम बात कर लेते हैं विकेट कीपर ऑप्शन में, गाइस यहाँ पे आपके पास काफ़ी अच्छी ऑप्शन यहाँ पे आप देखने को मिलती हैं। आप संजीवनी को पिक कर सकती हैं, यहाँ पे गाइस घोष को पिक कर सकती हैं, यहाँ पे गाइस अपनी यस्तिका भाटी को पिक कर सकते हैं। तीनों आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिक यहाँ पे बन जाती हैं। फिलहाल गाइस यहाँ पे आप संजीवनी को पिक करेंगे, घोष को पिक करने का फ़ायदा है नहीं क्योंकि गाइस काफ़ी लेट बैटिंग आएगी इनके। गाइस यस्तिका भाटी को फिलहाल के लिए हम यहाँ पर ड्रॉप करने वाले हैं जो कि गाइस काफ़ी थोड़ा रिस्की आपके लिए बन सकता है। बट गाइस फिलहाल हम यहाँ पे यस्तिका भाटी का ड्रॉप करके आप स्मृति मानना को पिक करेंगे, परेरा को पिक करेंगे, शेफाली वर्मा को पिक करेंगे। इन गाइस जो हमारी ऑलराउंडर में पिक यहाँ पर रहने वाली है वो गाइस अट्टा पट्टू के साथ यहाँ पर रहने वाली है। हरमनप्रीत कौर को पिक करने वाले हैं हम, वस्त्राकर को पिक करने वाले हैं। गाइस आप यहाँ पे चाहे तो दुलाड़ी को पिक कर सकते हैं फॉर द ग्रैंड लीग, यहाँ पे आप उनको कैप्टन भी बना सकते हैं ग्रैंड लीग के लिए। और गाइस स्मॉल लीग के लिए हम यहाँ पे वस्त्राकर के साथ ही जाना चाहेंगे। एंड गाइस हमारी लास्ट पिक यहाँ पे रहने वाली है दीप्ति शर्मा के साथ, जो कि गाइस अनदर इंडियन टीम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर है। बैटिंग बॉलिंग दोनों में अच्छा परफॉर्मेंस आपको करके दिखाती है दीप्ति शर्मा। बॉलिंग में बात करें, बॉलिंग में यहाँ पे इंपॉर्टेंट पिक यहाँ पे आपके लिए रहने वाली है यहाँ पे पहली गायकवाड़ रहने वाली हैं। रणा सिंह रहने वाली श्रीलंका की काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉलर, यहाँ पे अगर हम बात कर लें कैसे यहाँ पे रणा वीरा खेल नहीं रही तो कैसे यहाँ पे इनको पिक करने का कोई मतलब बनता नहीं है। बाकी कैसे हम यहाँ पे प्रभुधानी को पिक कर सकते हैं, जी हाँ प्रभुधानी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे श्रीलंकन टीम के पिक यहाँ पे आपको बनती दिखाई दे सकती हैं। ये कैसे आप टीम प्रीव्यू देख सकते हैं कि यहाँ पे श्रीलंका की तरफ से तीन मेन बॉलर हमने यहाँ पे पिक कर लिए हैं। इंडिया के लिए भी यहाँ पे चार मेन बॉलर यहाँ पे पिक करेंगे क्योंकि जिस हिसाब से बॉलिंग फ्रेंडली पिच यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी उस हिसाब से ऑब्वियसली बात है आप ट्राई करना अपनी टीम में मैक्सिमम बॉलर रखने की ऑलराउंडर रखने की। बैटिंग की बात करें, बैटिंग में भी गाइस यहाँ पे इंडियन टीम के लिए गाइस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बैटिंग लाइनअप हमने पिक करी है। श्रीलंका के लिए गाइस यहाँ पे हमने मेन बॉल बैट्समैन को पिक करा है जो कि गाइस आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट करके दिखा सकती हैं। कैप्टन वाइस कैप्टनसी के ऊपर बात कर लें, कैप्टन यहाँ पे हमारे सिंपली यहाँ पे रहने वाले गाइस अपने हरमनप्रीत कौर को बना सकते हैं। गाइस अगर आप थोड़ा यहाँ पे बना चाहें तो यहाँ पे अट्टा पट्टू को बना सकते हैं, स्मृति मानना को बना सकते हैं, गाइस आप इन तीनों में से किसी को बना सकते हैं। फिलहाल गाइस यहाँ पे हम अट्टा पट्टू को बनाने वाले क्योंकि गाइस बैटिंग बॉलिंग आपको दोनों में ही टॉप क्लास प्लेयर आपको देखने को मिलते हैं श्रीलंकन टीम की तरफ से। वाइस कैप्टन के बारे में बात कर ले, वाइस कैप्टन यहाँ पे हम हरमनप्रीत कौर को बनाएंगे, जी हाँ गाइस, क्योंकि गाइस आपको थोड़ा सा बॉलिंग में भी आपको हरमनप्रीत कौर कमाल करती दिखाई दे सकती हैं, तो गाइस इस वजह से गाइस यहाँ पे हम वाइस कैप्टन हरमनप्रीत कौर को बनाने वाले हैं। सो गाइस ये हमारी फिलहाल के लिए फाइनल टीम रहने वाली है। गाइस होप सो गाइस आपको टीम अच्छी लगेगी, क्योंकि टीम अच्छी लगेगी तो गाइस वीडियो को जरूर लाइक करना, गाइस चैनल पर नहीं तो गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ये वीडियो यहीं तक की थी, गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।